पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से, और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो कमजोरी के हैं। हांगकांग के बाजार 230 अंक नीचे, कोरिया के बाजार में करीब 1.25% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। निकाई के बाजार भी नीचे हैं, शंघाई और गिफ्ट निफ्टी भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो हल्के लाल निशान में है, 19,590 के आसपास गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो वैसे तो कल अमेरिकी बाजार बंद थे, तो वहाँ से तो कुछ ज़्यादा क्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कल दूसरे बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन था, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला, ये समझ लेते हैं एक बार। और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजारों की शुरुआत तो आज नरमी के साथ हुई है। जापान, कोरिया, हर जगह गिरावट ही दिख रही है, लेकिन आज बाजार की नज़र रहेगी हांगकांग और चाइना के जो पीएमआई नंबर्स आने वाले हैं वहाँ पर नज़र रहेगी। साथ ही भारत में भी पीएमआई के नंबर रहेंगे, वहाँ पर भी पूरे ही बाजार की नज़र रहेगी। गिफ्ट निफ्टी आज नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। कल अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी आज कमजोरी के मिल रहे हैं, हल्की नरमी वहाँ पर दिख रही है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो कल तीनों ही बाजार सपाट या हल्की कमजोरी कह सकते हैं, हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। जर्मनी के जो डेटा थे, एक्सपोर्ट में कमजोरी आई थी, इंपोर्ट हल्के बढ़े थे, जुलाई के नंबर थे एमओएम बेसिस पर अगर आप देखें तो। और यूके की जो ब्रिटिश चेन है, सुपर ड्राई क्लोथिंग चेन है, वहां पर कल भारी गिरावट देखी, 18% गिरावट। ट्रेड सस्पेंड पहले हुआ था, उसके बाद जब बाजार में वापस से वो खुला उसके बाद भी गिरावट जारी रही, तो वो नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर सुपर ड्राई का शेयर पहुंच गया। तो ये कुछ खबरें थी, लेकिन अब बाजार पूरी तरह से देख रहा है फेड की बैठक पर नज़र है जो 19 और 20 सितंबर को होने वाली है, वहाँ पर किस तरह के फैसले आते हैं। अब अगले साल को लेकर एंटिसिपेशन लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर किस तरह से फेड का फैसला होगा, क्या रेट में कटौती होगी। बाजार अब 4 से 5 कटौती 2024 में लेकर चल रहा है, और इस साल हो सकता है कि फेड उस ओर जाए जहां पर अब दरें बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि डेटा अब तक वही सजेस्ट कर रहे हैं। तो बाजार पूरी तरह से इस तरह के आंकड़े देख रहा है, जहां पर महंगाई में नरमी आए तो बाजार पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी आंकड़े भले कमजोर दिखे, इकोनॉमी के हिसाब से कमजोर दिखेंगे, लेकिन बाजार उससे चलेगा, क्योंकि उससे यह संकेत मिलता है कि फेड आगे ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। तो बाजार अब इस तरह के ही संकेत पर दिख रहा है, महंगाई फोकस्ड पूरी तरह से अब रहेगा, महंगाई से रिलेटेड जो भी नंबर्स आएंगे उससे उस पर बाजार का काफी असर होगा। लेकिन इंडियन मार्केट के लिहाज से बाकी कुछ और संकेत देखें तो बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.2% के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर टिक गया है। ब्रेंट क्रूड की मजबूती बरकरार है, $89 के आसपास अभी भी बरकरार है। तो संकेत कुछ बहुत अच्छे नहीं है, मिले जुले कह सकते हैं, मिक्स है या सुस्ती के ही संकेत दिख रहे हैं, और आगे अब खुद के स्ट्रेंथ पर घरेलू बाजार की चाल आगे निर्भर करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कल अमेरिकी बाजार तो बंद थे, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं नज़र आया कल कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में, लेकिन अभी भी अपने ऊपरी स्तर पर है। कच्चे तेल में तेज़ी बनी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है भारतीय बाजारों के लिए। खैर, आगे नज़र रहेगी कि महंगाई से जुड़े आंकड़े किस तरीके से आते हैं और फेड बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। अब इस वक्त दुनिया भर के बाजार की नज़र इस पर टिकी हुई है। आज एशियाई बाजारों से अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे जो देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया पीएमआई आंकड़े घोषित करने वाला है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। स्पेशली चीन से भी ये आंकड़े आएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वहाँ से किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त अगर कुल मिला के बात करें तो सुस्ती भरा माहौल ही है, और वहीं से इस तरह के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए भी मिल रहे हैं। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप क्या कह रहा है। कैश मार्केट में एफआईआई ने कल बिकवाली की है, 3,360 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईएस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और कैश मार्केट में डीआईएस ने 2560 करोड़ के आसपास की खरीदारी वो करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखें तो 150 करोड़ का मामूली खरीदारी का आंकड़ा है, इंडेक्स ऑप्शन में 3,920 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, एफआईआई डीआईएस के संकेत भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं। अब एफएनओ सेटअप एक बार समझ लेते हैं कि आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि कल तो हमने देखा था
कि बाजार दिन के ऊपरी स्तर के पास बंद हुआ था। अब आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। और आज जैसा कि आपने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग बाजार में जारी रहेगी, कल के सेशन भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला, तो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? शुक्रिया पूजा। अगर आप देखें तो कल मार्केट के अंदर वापस से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही थी। कल एक और इम्पोर्टेंट बात अच्छी हुई है, वो है क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट का नंबर अच्छी आना। असल में कल निफ्टी ने 19500 के ऊपर ओपन किया और क्लोज भी 19500 के ऊपर किया, और बैंक निफ्टी ने 44500 के ऊपर ओपन किया और 44500 के ऊपर क्लोज किया। दैट मीन्स दिन भर की जितने भी बढ़त हमको गैप के साथ मिली थी मार्केट ने उसको संभाला। ये इंडिकेट कर दिया कि शॉर्ट्स वालों को थोड़ा हम और स्क्वीज करेंगे और थोड़ी कवरिंग आ सकती है। लेकिन मेरे को इस पे एक हल्का सा डाउट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट काफी कम है। इस सीरीज के अंदर हम जब ओपन इंटरेस्ट लेके आए हैं वो पहले 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का कम था। आप और जरा स्क्वीज कर पाएंगे तो फिर आप ओपन इंटरेस्ट को और कम करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है। इसलिए हो सकता है मार्केट के अंदर इस लेवल पे कॉन्फिडेंस आने के बाद शॉर्ट कवरिंग तो होगी ही होगी, बट थोड़ी खरीदारी भी आ जाए। और कुछ आईटी के स्टॉक्स से कल पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज भी सेक्टोरियल चर्निंग देखने को मिल सकती है। ये सेक्टोरियल चर्निंग फेवरेबल रह सकती है मेटल्स के लिए, बैंक के लिए और काफी हद तक आईटी कंपनीज के लिए आज भी। रही बात अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, देखिए निफ्टी जिनके पास अभी भी लॉन्ग पड़ी है वो अभी भी होल्ड करके रखे, चाहे तो अपना एक स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट और नोच को ऊपर कर ले। आप 19300 की जगह 19400 की अपना एक पहला सपोर्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा बात, जिनके पास शॉर्ट खड़ा है हमने उनको इत्तेहा भी दिया था और बताया भी था कि आप 500 से लेकर 650 वाली रेंज में अपने कंफर्ट का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। जिन्होंने पहले राउंड के अपने स्टॉप लॉसेस कटवाए अभी शॉर्ट ना करें। अभी मार्केट के अंदर रिदम थोड़ा सा फास्ट बना हुआ है, एफएस की होल्डिंग ऑलरेडी 51% आ चुकी है, तो इसलिए थोड़ी देर रुक जाए, जब मौका मिलेगा फिर आप शॉर्ट कीजिएगा। फिलहाल अभी तो शॉर्ट करने का समय नहीं है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और बाकी है। दूसरा बात है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर 44,500 के ऊपर क्लोजिंग, ये इंटरेस्टिंग क्लोजिंग है। 44,200 के स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड करके रखें। कल एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा क्लोज किया था, उम्मीद यह है कि एचडीएफसी आज मार्केट को थोड़ा प्रोपेल करेगा और बचाने का भी काम करेगा, तो इसलिए एचडीएफसी जनित बैंक निफ्टी में थोड़ा ध्यान रखना होगा। रही बात जिनके पास शॉर्ट पोजीशन थी बैंक निफ्टी की, उनको भी थोड़ा बाहर निकलना होगा, या फिर अगर आप शॉर्ट्स के साथ बने भी रहना चाहते हैं तो 44,800 आपकी लास्ट लक्ष्मण रेखा है। अगर ये ब्रेक हो जाती है फिर आपको किसी भी कंडीशन में बैंक निफ्टी के अंदर आपको शॉर्ट नहीं रहना है। रही बात ऑप्शन ट्रेड की, हमने कल भी कहा था अगर आप ऑप्शन में काम करेंगे पैसा बनेगा, बना होगा, आज भी बन सकता है क्योंकि अर्ली इन द सीरीज है, ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े कम है। कॉल पुट सीधा लेना चाहे सीधा ले सकते हैं, कोई हेज वेज करने की जरूरत नहीं है, और स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये लेवल्स हमें बताने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स में फिलहाल शॉर्ट करने की राय नहीं है और आगे भी कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, डेटा यही कह रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर आपको बताए, बैंक निफ्टी के लिए 44,800 ये एक अहम लेवल है शॉर्ट्स ट्रेडर्स के लिए, इस लेवल को वॉच करिए। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ से और तेज़ी दिख सकती है, तो फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह नहीं है क्योंकि यहाँ से और तेज़ी की उम्मीद। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम स्तर की, लेकिन जैसा कि डिम्पी बताई थी कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, तो चलिए एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। मार्केट पर तो हमने चर्चा की लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अगर रहना है तो फिर आपकी नज़र कहाँ है, कैसे ट्रीट करें? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके प्रॉफिट टेकिंग का बायस था उस टाइम पे भी सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स थे, तो अब तो थोड़ा सा बायस इंप्रूव हो रहा है इंडेक्स में, तो ये देखते हुए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहली रिकमेंडेशन होगी सीमेंट स्पेस, जहाँ पे काफी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और इंडिया सीमेंट एनीवेज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था विदिन दी सीमेंट स्पेस, तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 251 के स्टॉप लॉस के साथ 270 तक के टारगेट्स के लिए। और साथ ही साथ टाटा केमिकल्स, यहाँ पे काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगा, फिर 1130 तक के लेवल्स पॉसिबल है इसमें, 1070 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं।
थैंक यू अजीत ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ये ट्रेड कुछ अजीत अभी बता रहे थे, इंडिया सीमेंट 270 के लक्ष्य पर नजर रखिए, टाटा केमिकल्स 1130। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे।